चलिए जी, हमने फ्लोट फ्लोट का ऑपोजिट जो करना है वो पी भरना है। वॉटर इज ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसपेरेंट, और इसका ऑपोजिट क्या है वो क्यू है। ठीक चॉक पाउडर, ये आपने सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बताना है, चॉक पाउडर सॉल्युबल है कि नहीं। और साथ में दूसरा है सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं। ये है आर, ये है एस। जल्दी से सिक्स्थ ए में बेटा, सतपाल सिंह, सतपाल इज देयर सिक्स्थ ए। सेक्शन में चला गया है। अच्छा जी, कौन से सेक्शन में है बेटा सतपाल? आ जाओ, ई में है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ई में आ जाओ। मुझे बता दो बेटा, क्वेश्चन है कि सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर, फ्लोट का ऑपोजिट क्या आ जाता है बच्चे? जोर से बोलना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो पी का आ जाएगा सिंक। देन सिक्स्थ बी, ध्रुव शर्मा, ध्रुव है, आ जा बेटा। वॉटर इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल स्टोन इज, ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इट इज ओपेक, क्यू इज ओपेक। बैठो बेटा, नेक्स्ट सिक्स्थ सी में से वी हैव तेजवीर कौर, सिक्स्थ सी तेजवीर। जाओ बेटा, एमएस ये है चॉक पाउडर सॉल्युबल के इनसॉल्युबल, मैम सोलूबर चॉक पाउडर सॉल्युबल, और सॉल्ट क्या है सोल्यूबल बेटे? चॉक पाउडर इनसॉल्युबल होता है, चॉक पाउडर सैंड की तरह से है, इनसॉल्युबल बेटा, एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल। बेटा आपकी क्लास में चॉक होंगे तो थोड़ा सा उसका तोड़ के उसका पाउडर बना के पानी में घोल के देखना, तो वो इनसॉल्युबल है बच्चे, राइट? तो चॉक पाउडर जो है वो इनसॉल्युबल है, सॉल्ट इज सॉल्युबल, वेरी गुड। ठीक है जी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सिंक, डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिंक, ओपेक, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। देन इसमें से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, क्या क्या चीजें हैं? दैट इज मेटल बॉल, आपसे नहीं पूछा, मेटल बॉल है, पेंसिल, थर्ड इज सॉल्ट, फिर है हनी, फिर है कैरोसिन, फिर है ऑयल, और फिर है बटर। चलिए पहले हम इनको बाद में हम क्वेश्चन करेंगे आगे का। एवरीबडी हियर, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, जल्दी से इधर देखिए। सबसे पहले तो हम इनकी स्टेट पे बात करते हैं। सिक्स्थ ई मेटल बॉल की क्या स्टेट है बेटा? सिक्स्थ ई, एवरीबडी सॉलिड है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट ऑफ है सॉलिड है। सिक्स्थ एफ पेंसिल क्या है? सॉलिड है बेटा, वेरी गुड। सिक्स्थ जी सॉल्ट क्या है? लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है? सॉलिड
सॉलिड है बेटा ये भी, चाहे वो बहुत बारीक है बट सॉलिड है। सिक्स है ए, पानी ए क्या है? क्या है? लिक्विड। लिक्विड। सिक्स बी, केरोसिन क्या है? लिक्विड। ऑयल लिक्विड एंड बटर सॉलिड, सेमी सॉलिड सा है। देन उसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें, ऑक्सीजन फ्लोट की सिंक, मेटल बॉल, सिक्स इट इज, इट विल बिल्कुल पेंसिल। सिंक नहीं बेटा, पेंसिल वुड की होती है, फ्लोट कर जाती है, पानी ज्यादा होना चाहिए। इट विल फ्लोट। सॉल्ट, ये सोल्यूबल है ना, ये सिंक फ्लोट नहीं है, ये सोल्यूबल है। हनी बातें नहीं, हनी इनसॉल्युबल सोल्यूबल है बेटा, शहद को पानी में मिलाओ मिल जाता है, उसमें घुल जाता है, इट इज सोल्यूबल। कैरोसिन, इनसॉल्युबल है, कैरोसिन इनसॉल्युबल है, फ्लोट की सिंक, फ्लोट इट इज इनसॉल्युबल एंड फ्लोट। ऑयल फ्लोट, ये मैंने, और बटर भी ऑयल की तरह से ही है, फ्लोट ही करेगा। इज इट राइट? उसके बाद एडिबल की इनएडिबल, एडिबल का मतलब है कि जिसको हम खा सकते हैं। मेटल बॉल को हम खा सकते हैं, तो ये है इनएडिबल। लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो, दिस इज एडिबल। सॉल्ट इज एडिबल, हनी एडिबल, कैरोसिन एडिबल इनएडिबल। बेटा कैरोसिन ऑयल कहाँ से पीना है हमने, मरना है हमने। ऑयल इज, एडिबल बटर इज एडिबल। एडिबल इज इट ओके? यस। चलिए, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स सिक्स्थ एफ में किसने कर लिया है? करो करो, 2 मिनट है, आवाज नहीं बिल्कुल। सिक्स एफ में से सीरत आएगी बेटा मेरे पास, कर लो 2 मिनट करके, सीरत आएगी। सीरत वेलकम। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एडिबल, जो एडिबल प्रोडक्ट्स है ऊपर में से, उसमें से एक है सोलुबल और दूसरा है इनसोलुबल। 60 क्लास डन। ओके, 1 मिनट बेटा। सॉलिड, लिक्विड, कौन सा है पी क्यू, इनसोलुबल कौन सा है आर, इसका क्या मतलब है कि एडिबल खाने वाली चीजों में से कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल में से कौन सा सॉलिड, कौन सा लिक्विड, और इनसॉल्युबल में से ये। यस, सिक्स एफ, सीरत। सीरत कम फॉरवर्ड, जल्दी से असाइनमेंट लेके आगे आ जाओ। क्विक,
हाँ जी बेटा, पहले तो दोबारा से, हाँ बोल रहे आप, बोलो जरा हेलो। हेलो। हाँ जी आप बताइए बेटा, इनमें से कौन सॉलिड सा सॉलिड एडिबल है और सोल्यूबल है? बॉल बेटा मेटल बॉल इज सॉलिड बट इनएडिबल है ना, यहाँ पे तो एडिबल वालों से पूछ रहे हैं, जो हम खा सकते हैं उनमें से सोल्यूबल कौन से है, पहले तो ये देखिए हम कौन कौन से खा सकते हैं। हम सॉल्ट खा सकते हैं, हम हनी खा सकते हैं, ऑयल बटर। सोल्यूबल कौन से है? सोल्यूबल आप देखते हो ये दोनों है, पांच ठीक है सीरत। अब बताइए पी क्या होगा? सॉल्ट सॉल्ट, वेरी गुड, दिस इज सॉल्ट। और क्यू क्या होगा? हनी, हनी होगा। सीरत आप बैठो बेटा। एंड मैम अभी नाम ले रही थी दीपांश चौधरी का, किस सेक्शन में है, जल्दी से आ जाओ दीपांश। चलो दीपांश बच्चा है कि सिक्स्थ बी में है, चलो जो है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जा बेटा। आर बताइए, आर क्या है? एडिबल इन सोल्यूबल, जोर से। हाँ नहीं, इनसॉल्युबल तो है बट जो खा सकते हैं और जो सोल्यूबल नहीं है पानी में, वो कौन से प्रोडक्ट्स है इसमें से? किस किस को खा सकते हैं? सॉल्ट को, हनी को, ऑयल को, बटर को। तो बट इनमें से चारों में से कौन से इनसॉल्युबल है बेटा? हाँ जोर से, ऑयल एंड, ऑयल एंड बटर है ना, बटर भी तो पानी में घुलता थोड़ी है, ये भी तो ऑयल की तरह से है, तो इट इज ऑयल एंड बटर। बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाता है नॉन एडिबल, फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सिंक इन वाटर। यस, हु विल टेल मी, रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा? यस, सिक्स बी में। मैम देखिए जरा लास्ट में गर्ल है, उसको बुलाइए फर्स्ट रो में, आ जा बेटा जल्दी से आ जाओ। फ्रॉम सिक्स डी मैम, सॉलिड इज मेटल बॉल, लिक्विड इज कैरेसम एंड सिंक इन वाटर इज पेंसिल। हाँ एक मिनट बेटा, मैं जरा सिक्स बी से पूछ लूँ। हाँ जी जोर से बेटा, सिक्स्थ बी जोर से बोलना। हाँ फ्लोट्स ऑन वाटर सॉलिड पेंसिल, वेरी गुड। लिक्विड इज कैरोसिन एंड ऑयल, कैरोसिन, ऑयल तो बेटा हम खा सकते हैं, ये है इनएडिबल वाले बातें, ठीक है। और फिर यू कौन सा है? विच सिंक्स इन वाटर, मेटल बॉल, वेरी गुड। बैठो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स? यस, हु विल टेल मी? तो पहली बात तो ऑक्सीजन जो गैसेस है, पहले तो ये याद रखो, असाइनमेंट में लिख लो कि गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। ये कोई आपसे पूछ सकता है कि गैसेस सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, तो आपको पता होना चाहिए गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। दूसरी बात, जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है, दे टेक इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। एक्वेटिक जो पानी में, वॉटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिख लो असाइनमेंट में ही,
water, plants and animals take oxygen during breathing. Take oxygen for breathing. बट कहां से ऑक्सीजन लेते हैं? एयर तो उनको मिल नहीं रही. दे टेक ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वॉटर. जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसको लेते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन. दे टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वॉटर. दे टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वॉटर. ठीक है, इसलिए पानी में अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, जब पानी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाती है, हीट बहुत ज्यादा उसमें है, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जानवर मरने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका दम घुट जाता है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिलती. राइट, सो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर. ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. Yes, who will tell me? Jaldi se. Sixth C. Sixth C. Devik. Devik is there. Sixth C. Aja beta, apne assignment lekar aana. Bhag karao, bhag karo. Yes, sixth C. Devik. Which of the following statements? कौन सा? जोर से. True. नहीं नहीं वो कह रही है. इन चारों statements में से कौन सी statement है? C. C is false. Very good. बैठो बेटा. माइक ऑफ करो. So C is false. Materials are grouped for fun. ये गलत है बेटा. Materials are grouped for convenience, to study their properties and according to their uses, not for fun. कि भी ऐसे इसमें ये कर दो, इसमें ये मिक्स. फन के लिए तो mix करते हैं, sort नहीं करते, groups नहीं करते. Which of these is a translucent object? 60 class done. Okay. 6C done? Yes. ये 6D. 60. 6D में से मुझे कोई आंसर बताए बेटा, जल्दी में से. A sheet of tissue paper. A sheet of tissue paper. Very good. This is translucent. Very good. बैठो बेटा. We should choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is used. Based on this. Nikita made a few choices. Select the incorrect choice. Incorrect ko underline karo beta. Question jab dekhna hai to wahan dekhna hai. Correct pucha gaya hai ki incorrect pucha gaya hai? Incorrect ko everybody underline it. Sixth step. Beta apne assignment ki taraf dekho aur underline karo incorrect ko. Ab hum dekhe. Window pane made of glass to look through. Window pane jo hamari khidkiyan hai glasses ki hai. ताकि हम उसमें से देख सके. ये तो ट्रू है. कौन सा पार्ट? क्लास डी पार्ट. डी पार्ट बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. बैठो बेटा. टम्बलर मेड अप ऑफ वुड टू बॉइल वाटर. क्योंकि अगर ए वुडन टम्बलर, वो तो जल जाएगा. बिल्कुल बात ठीक है. वो तो जल ही जाएगा, उसको नहीं. बिल्कुल ठीक. बैठो बेटा, बैठो अपने सीट्स पे. बैठो बेटा. एवरीबॉडी सिट ऑन योर सीट्स. जिसको मैं बुलाऊंगी वही. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स? बेटा आपको गुड कंडक्टर्स नहीं पता. व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? जिसमें से बिजली पास कर सके. तो मेटल्स, यू नो, कॉपर वायर्स, जो जितनी भी हमारे घर की वायरिंग होती है कॉपर वायर्स है. कॉपर इज ए मेटल. तो मेटल डी पार्ट. इसका डी पार्ट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. फिर है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओपेक एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली, शाइन ब्राइटली व्हेन पॉलिश्ड. बिल्कुल ठीक है. इलेवेंथ का पार्ट डी. वेरी गुड. और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
ये हम कर चुके हैं कि नहीं? नो no. चलो कोई बात नहीं, तो अगर पानी गिर जाए तो हम उसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? कॉटन स्क्रबर से या कॉटन क्लॉथ से? आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 12th, आंसर डी। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको कुछ, ये तो हमने सॉर्ट कर लिया, ग्रुप्स में बांट लिया, बट अगर कुछ चीजें मिक्स हो जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है बेटा, लेट मी शो यू, बेटा ये देख रहे हो, ये सॉल्ट है, राइट? आपको दिख रहा है सबको? दिस इज सॉल्ट, और इसमें मैंने बेटा ये मैंने कर तो डेलिब्रेटली रही हूं, बट बाय चांस इसमें जो है ये मेरे पास आयरन पाउडर है, ये मिक्स हो गया, क्या हम इसको हाथ से अलग कर सकते हैं? नो मैम, नो। इसको छलनी से भी अलग नहीं हम कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइज सेम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है काला काला सा, लेट्स सी, ये मैंने मैग्नेट इस पे लिया और आप देख रहे हो इस पे आपको आयरन चिपका नजर आ रहा है, ठीक है, अभी मेरे पास अभी भी ये ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है। मैं एक और मैग्नेट लेती हूँ, देखिए जरा, कैन यू सी दिस, क्या ब्लैक कहीं पे नजर आ रहा है सॉल्ट में? तो सब्सटेंसेस लाइक आयरन पार्टिकल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेट्स, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा ये था, ये पानी था, ऑल्दो अभी भी मडी आपको नजर आ रहा है, बट इसमें मैंने ना मिट्टी घोल दी थी, बट धीरे धीरे आप देख रहे हो नीचे मिट्टी बैठ रही है, और इसको अगर मैं ओवरनाइट रख दूंगी तो ये सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी क्लियर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है, जो नीचे बैठ गया वो सेडिमेंट है, जो नीचे बैठ गया, जो हैवी था वो सेडिमेंट था, इनसॉल्युबल है, हैवी है सैंड या मड, वो नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद हम ये क्लियर वाटर अलग कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। तो मडी वाटर को हम कैसे कर सकते हैं? इसमें फर्स्ट हम करेंगे सेडिमेंटेशन और दूसरा हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन। यस, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूं, कैन यू सी दिस? यस। ओके, देखो जी, इन्होंने ना वीट ग्रेन्स ले लिए, इन्होंने वीट की स्टॉक्स ले ली और उनको पीट रहे हैं, ठीक है, पीटने को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं बेटा। सो थ्रेशिंग, हम वैसे भी कह देते हैं थ्रेश करना, थ्रेश किसी को मारो तो व्हाई आर यू थ्रेशिंग हिम, थ्रेशिंग मींस पीटना। और अगर आप दोबारा से देखें, ये देखिए, ये पीट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इन स्टॉक्स में से
ये जो है, हाय हाय, ये जो है ये स्टॉक्स है, बड़ी बड़ी बलियां बोल देते हैं इसको हिंदी पंजाबी में। सो दीज आर स्टॉक्स, और इनमें अभी दाने हैं, तो इनको स्टॉक्स में से इन ग्रेन्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्रशिंग करते हैं, पीटते हैं इनको, ताकि इसमें से ग्रेन्स अलग हो जाए फ्रॉम द स्टॉक्स। बट ग्रेन्स, ग्रेन्स के ऊपर क्या है, हस्क भी है, ठीक है, और वो हस्क कैसे, दिस इज कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग। हवा के प्रेशर से जो हल्का हस्क है वो दूर हो जाता है और ग्रेन हमारे पास रह जाते हैं, दिस इज विनोइंग। तो अब आपको थ्रेशिंग, थ्रेशिंग सेपरेट्स किसको किससे सेपरेट करता है, दैट इज, हाँ जी, ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, दैट इज थ्रेशिंग, उसको पीटना। और उसके बाद हवा में हमने जोर से हम ग्रेन्स को जो है, जिसके साथ हस्क भी है, उसके ऊपर की कवरिंग भी है, उसको हम हवा से धीरे धीरे छानते हैं, तो क्या होता है, जो हस्क है वो उड़ता जाता है और ग्रेन्स पीछे रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग। यस, ओके। चलिए जी, अब हम एक और चीज देख लें। सीविंग, सीविंग आपको पता है ना बेटा, सीविंग होता है छलनी, है ना। दो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को विच आर डिफरेंट इन द साइज, दिख रहा है आपको कि नहीं? हेलो। नहीं, अभी नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये दिख रही है अब। चलिए जी, दिस इज सीविंग, छलनी से दो पार्टिकल्स, जो मोटे मोटे हैं वो ऊपर रह गए और जो पतला आटा था वो नीचे छन गया, सो दैट इज सीविंग, राइट। तो हमने कौन कौन सी प्रोसेसेस आपको दिखाई, यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने प्रोसेसेस आपको बताई, उसके बाद अभी और भी प्रोसेसेस है, पहले हम इस पे बेसिक से क्वेश्चन कर लें, राइट। चलिए जी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा जी, डू यू नो व्हाट इज सेपरेटिंग फनल, यस और नो? ठीक है, मैं एक मिनट आपको दिखाती भी हूं जरा, आप इतनी देर ये करो। बस बस करो 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 फटाफट से। हाँ जी बेटा, मैं एक मिनट, ये देखिए एक और मैं चीज आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो बेटा, कैन यू सी दिस, ये ऊपर जो है दिस इज सेपरेटिंग फनल, और इसके नीचे ये देखिए, अब ये नॉब है जिससे ये खुलती है और ये बंद होती है, इसमें वाटर डाला है
और साथ में यहाँ पे ये दिखा रहे हैं क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज सिमिलर टू पेट्रोलियम, या हम कह सकते हैं इसकी कॉम्पोजिशन या वेट पेट्रोल की तरह, केरोसिन या कुछ. वो आपको पता है पानी के ऊपर तैरता है. यू कैन सी दिस. ये इन्होंने इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया. लेट अस से, ठीक है. ये नॉब दिखा रहे हैं कि ये बड़ी है कि नहीं है. ये लो जी, ये डल गया. अब क्या है ये जो क्लोरोफॉर्म है, इट इज, अब इन्होंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया. तो अब ये क्या देख रहे हो कि क्लोरोफॉर्म नीचे बैठ गया है, पानी ऊपर रह गया, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं. और अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इसकी नॉब को, अब ये देखो ये मिक्स करेंगे इसको. एंड यू कैन सी जितना मर्जी मिक्स कर लो, वो दोनों दोबारा से इमिसिबल. इमिसिबल मीन्स इनसॉल्युबल विद ईच अदर, अलग हो जाएंगे थोड़ी देर बाद. देख रहे हो आप? एंड यू कैन सी दिस कि ये दोनों फिर अलग हो गए. नीचे क्लोरोफॉर्म चला गया, ऊपर पानी, डिस्टिल्ड पानी ऊपर रह गया. और अब जो है इन्होंने ये खोल दिया नीचे से, ताकि, और देखते जाएंगे फटाफट से फटाफट. लो ये बंद कर दिया, ऊपर पानी अलग रह गया और नीचे जो है ये क्लोरोफॉर्म चला गया. राइट. सो दिस इज सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल उन, याद रखो, उन लिक्विड्स को अलग करती है जो आपस में सॉल्युबल नहीं है. अगर सेपरेटिंग फनल में अगर हम देखें, सेपरेटिंग फनल इस तरह से है और यहां पे नॉब लगा हुआ है. अब अगर पानी और ऑयल को मिक्स करें, तो पानी, वॉटर इज हेयर, और इसमें जब हम ऑयल डालेंगे तो वेयर द ऑयल विल बी प्रेजेंट, ऑयल विल फॉर्म लेयर हेयर. दिस इज ऑयल, दिस इज वॉटर, द टू डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. और जब हम ये सेपरेटिंग फनल खोलेंगे तो ये पानी पहले आ जाएगा, ऑयल जो है वो कहाँ पे रह जाएगा, टॉप ऑफ द फनल. ऑयल ये रह गया, पानी सारा नीचे आ गया. इज इट. तो यहाँ पे लिख लो अपने इधर, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड फॉर, सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल मतलब है विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. ये आपके माइंड में होना चाहिए, वो दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से घुलते नहीं है, मिलते नहीं है, दैट आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स. तो सेपरेटिंग फनल उनको सेपरेट करती है. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट रीजन फॉर सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. इनकरेक्ट, हम सेपरेट क्यों करते हैं मिक्सचर्स को, टू सेपरेट टू और मोर डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स. दोनों कॉम्पोनेंट्स जो है वो यूजफुल है. फॉर एग्जाम्पल, हमने सॉल्ट एंड आयरन मिक्स किया, सॉल्ट भी यूजफुल है,
आयरन भी यूजफुल है, दोनों को हमने अलग अलग करना है. टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड यूजलेस कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड यूजफुल, टू रिमूव, हाँ टू रिमूव, हम उनको जो अनडिजायरेबल है, जो यूजफुल नहीं है, जैसे हमने कहा कि जब हम हैंड्स डाउन, अभी दो मिनट बेटा, जब हमने कहा कि जब हम ग्रेन्स का हम करते हैं विनोइंग, तो उसका हस्क रिमूव कर देते हैं, हस्क को हम घेर देते हैं क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं है, ठीक है, तो ये भी ठीक है. टू रिमूव प्योर और हार्मलेस कंपाउंड्स, प्योर कंपाउंड्स को रिमूव कर देना ये गलत है बेटा, है ना. पहली बात तो मिक्सचर में प्योर कंपाउंड्स होंगे ही नहीं, राइट, सो दिस इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग. बोजोस ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, है ना, डायबिटीज यू नो शुगर, हर डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक लस्सी विद लेस फैट कंटेंट, ठीक है, तो वो कहते हैं लस्सी पीनी है बट फैट नहीं ज्यादा उसमें होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बोजो टू ई क्लास ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू. हाँ जी, क्या, देखो मेरी बात सुनो, लस्सी जो है फैट फ्री तो चलो ठीक है, बट दही में से लस्सी बनाएंगे कैसे, पहले ये बताओ, चर्निंग, चर्निंग, या फिर दूध में से लस्सी कैसे निकालेंगे, चर्निंग. सबको पता है, सबको विलेज बैकग्राउंड है, तो हम क्या करते थे पहले लोग, आजकल घरों में तो हम दही की लस्सी बना लेते हैं ना, बट पहले लोग क्या करते थे बेटा, दूध लेते थे और उसको चर्न कर दिया तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता था और लस्सी अलग हो जाती, तो दैट इज फैट फ्री लस्सी, राइट, दैट इज बाय चर्निंग. चर्निंग में क्या है, बहुत तेजी से हम घुमाते हैं, जो हल्का है वो ऊपर आ जाता है, मक्खन हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, इज इट ओके, ठीक है. तो दिस इज चर्निंग. You might have observed the preparation of ghee from butter and cream at home. Which methods can be used to separate ghee from the? So ghee from the residue. हाँ जी. Decantation. Decantation. And नहीं, पहले हम क्या कहेंगे, evaporation and filtration. मक्खन निकल चुका है बेटा, तो हम क्या करते हैं, मक्खन को गैस पे रख देते हैं, राइट, तो उसमें से आपने कभी देखा हो मम्मी को, तो वो बॉयल होके घी तो अलग हो जाता है, नीचे रेजिड्यू बच जाता है, तो हम एक छलनी लेते हैं और उसमें से घी को फिल्टर कर लेते हैं, तो प्रोसेस क्या आ जाएगी, इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन, राइट, मक्खन को गर्म करेंगे तो घी बनेगा ना. सो आंसर इज 1 and 3. है ऑप्शन कोई बेटा, ये ठीक कर लेना जरा, ए ऑप्शन है 1 and 3 कर लीजिए, इसमें ऑप्शन ए 1 and 3, इवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन, 1 and 2 लिखा हुआ है, 1 and 3 कर लीजिए, इवेपोरेट करेंगे और साथ में फिर उसको फिल्टर कर लेंगे. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, पढ़ो जरा ये, फोर्थ पढ़िए, फोर्थ फिफ्थ कीजिए, ये मैं आपसे पूछूंगी. बेटा आपने कभी देखा है कि अगर हम एक पानी गर्म हो रहा हो, है ना, बॉयल कर रहा हो, उसके ऊपर प्लेट रख दे और थोड़ी देर बाद देखें ठंडा होने के बाद, तो क्या है, उस प्लेट पे क्या हो जाएगा, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, यस. तो वेपर से जब पानी बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, बिल्कुल ठीक है, बस उसी पे आपने फोकस करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6 करो जरा जल्दी से, जल्दी से करो, 4, 5 and 6.
क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करो हां कर भी दिया 4 5 6 हां जी 4 5 6 को इतने क्वेश्चन पर डालो जल्दी से बस यू मस्ट ध्यान भी अपने मुंह में मैंने डाला है कोई पास जल्दी से बेटा अपना 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 हम अभी काम करेंगे डू इट योर सेल्फ सिक्स जी ने मुझे बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो इसलिए ध्यान से कर लो आई एम आस्किंग देम जानवी विल टेल मी द आंसर जानवी आर यू देयर जानवी अपनी क्लास वो लेकर आओ असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 सिक्स्थ जी हाँ जी जानवी आंसर दो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है माइक ऑन करो और मुझे आपके आ नहीं रही बेटा आवाज सिक्स्थ जी में से पहले तो आ रही थी अब क्या हो गया ना चलिए इधर स्क्रीन के सामने आके मुझे 1 2 3 4 इस तरह फिंगर से दिखा दो इधर आओ इस साइड आओ दूसरी साइड आकर हाँ जी आपने क्या कहा है टू टू है वॉटर हैज एस्केप्ड देखो बेटा उन्होंने क्या कहा कि आइस कोल्ड पानी का ये मैंने गलत गिलास ले लिया बर्फ जैसा ठंडा पानी जो है वो दिया है ना बर्फीला पानी अंदर दिया अंदर जो है वो ठंडा है बाहर एयर गर्म है तो क्या होगा कि जो एयर के वेपर्स होंगे वो गिलास पे आके क्योंकि गिलास बहुत ठंडा है यहाँ पे आके कंडेंसेशन हो जाएगी तो बाहर वाटर ड्रॉप्स अपीयर होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इट इज डी पार्ट वेरी गुड कंडेंसेशन ऑफ बैठो बेटा बैठो बच्चे 6G बैठिए सो इट इज आंसर इज डी कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स राइट देन 6th ई नेक्स्ट क्वेश्चन 6E यस हु विल टेल मी दृष्टि दृष्टि इज देयर दृष्टि है बेटा 6E में नहीं अच्छा दृष्टि F में है आई एम सॉरी नेक्स्ट इज शाइना शाइना इज देयर शाइना जल्दी से अपनी असाइनमेंट लेकर आओ इन एन एक्टिविटी अ टीचर डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर विच मेथड वुड यू यूज टू गेट बैक सॉलिड कॉपर सल्फेट वो मिला दिया कॉपर सल्फेट ठीक है कैसे हम अलग करेंगे कॉपर सल्फेट नमक की तरह से है बट नीला होता है कैसे सेपरेट करेंगे बेटा आप कॉपर सल्फेट की जगह सॉल्ट की बात कर लो पानी में मैंने सॉल्ट मिला दिया तो अब लेट अस से ये पानी है इसमें मैंने सॉल्ट मिला दिया ठीक है ये घोल दिया अब इस सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे बेटा डू यू नो कि जो समुद्र के पानी में से वॉटर उस पानी में से सॉल्ट कैसे अलग करते हैं बच्चे डू यू नो दैट इवेपोरेशन इट इज बाय इवेपोरेशन बैठो शाइना इट इज बाय इवेपोरेशन है ना तो जैसे समुद्र के पानी को गर्म करते हैं और सॉल्ट अलग करते हैं ऐसे ही हम घर में भी कर सकते हैं और यही बात कॉपर सल्फेट की भी है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ एफ ही बोलेगा आप और कोई नहीं बोलेगा सिक्स्थ एफ में आ जाते हैं बच्चे किसको बुलाएं राघव
Raghav is there, sixth F. Aja beta. A mixture contains three different substances. X particles. ध्यान से देखना है, सब देखो, राघव आंसर देगा, बट देखना सबने है. X क्या कहता है? X are heavy and non-magnetic. Y particles जो है वो light है and non-magnetic. Z जो है वो magnetic है. हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीन चीजें हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम किसको अलग करेंगे? हाँ जी, सिक्स एफ में से ही मैंने आई होप बुलाया था. हाँ जी, सबसे पहले हम किसको, तीन को, एक्स वाई जेड, किसको अलग करेंगे सबसे पहले? मैक्स को. एक्स को नहीं बेटा, सबसे पहले हम किसको अलग करेंगे? Z को अलग करेंगे. ये तीनों मिक्स हो गए, ठीक है ना? तो इन तीनों में से सबसे पहले हम मैग्नेटिक को अलग करेंगे. हमने उसके अंदर मैग्नेट डाला और उसको आयरन फिल्स है ना, या आयरन जो भी है, जो भी आयरन के पीसीज है, उसको अलग कर लिया. सबसे पहले हमने इसको अलग कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, पहले मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फॉलोड बाय मैग्नेट. नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो हो गया. उसके बाद जो पार्टिकल्स क्या है, हैवियर, जो हैवियर है, ठीक है, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो आंसर इज सी. पहले हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे और फिर सीविंग, छलनी से छान लेंगे. जो छोटे पार्टिकल्स है, लाइटर है, वो नीचे चले जाएंगे, हैवियर ऊपर रह जाएंगे. आंसर इज सी. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा. अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ. अब जो मैं पूछ रही हूँ, असाइनमेंट रहने दो, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना. नेक्स्ट आ जाता है, ऑयल एंड वाटर को कैसे अलग करेंगे? सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. स्टोन्स इन ए दाल, इन चना दाल. देन हस्क फ्रॉम वीट ग्रेन्स या राइस ग्रेन्स. देन वी से सैंड from water. Tea leaves from water. और उसके बाद हमने मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, sand and iron filings. ठीक है, ये बताओ ये हम कैसे अलग करेंगे इन तीनों को? चलिए जल्दी से. Quickly. कौन बता रहा है? सिक्स्थ ए में से फर्स्ट जिसको आता है फटाफट से आके बोले. सिक्स ए, ऑयल एंड वाटर कैसे सेपरेट करेंगे?
सिक्स्थ ई में से एक हाथ मुझे खड़ा नजर आ रहा है, फटाफट से। डिकेंटेशन फ्रॉम सिक्स्थ ए। डिकेंटेशन कैसे हो जाएगी बेटा? सिक्स्थ सेपरेट बाय फनल। सेपरेशन फनल, बिल्कुल ठीक है। सिक्स ई ने आंसर दिया है। ये देखो, ये सामने तुम्हारे नजर भी आ रहा है, सेपरेटिंग फनल। दिस इज, ये लिख लेना, पेपर में आ सकता है। सिक्स्थ बी, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैसे? सिक्स्थ बी, हाँ जी जल्दी से आके बोलो फटाफट से। सिक्स्थ बी, बाय मिक्सिंग विद वॉटर से तो, बट वो तो पानी में घुल गया, फिर क्या करें, उसको अलग कैसे करेंगे? इवेपोरेशन, बिल्कुल ठीक है। जिसने भी आंसर दिया, इवेपोरेशन इज करेक्ट। दिस इज इवेपोरेशन। टाइम बस 2 मिनट की, बस ये कर ले, फिर टाइम आपका नहीं, अभी 1 मिनट है बेटा, जल्दी से। सिक्स्थ सी, स्टोन्स इन चना दाल। हैंड पिकिंग, ठीक है। सिक्स्थ डी ने आंसर देने का, बाकी सब अपने माइक क्लोज करेंगे। सिक्स्थ डी, हस्क फ्रॉम राइस ग्रेन्स, जो उसका छिलका है राइस ग्रेन से, जो छिलका है कैसे अलग करेंगे? सिक्स्थ ई, विनोइंग। इट इज, सिक्स्थ डी ने भी आंसर ठीक दिया, विनोइंग। इट इज बाय विनोइंग। सिक्स्थ ई, हैंड पिकिंग, दिस इज विनोइंग। सैंड फ्रॉम वाटर, मैम सिक्स्थ ई, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब सिक्स ई ने आंसर नहीं देना है, एंड डिकेंटेशन। टी लीव्स फ्रॉम वॉटर, चाय बनाते हैं जब हम, सिक्स्थ ई। नहीं सिक्स्थ ई नहीं, आई एम सॉरी, सिक्स्थ ई नहीं, सिक्स्थ एफ लास्ट है, सिक्स्थ एफ। सिक्स्थ जी में से भी आंसर आ रहा है, सिक्स्थ जी बोलो जरा। It is by. Excuse me, ma'am. हांजी हांजी ma'am. Ma'am तो. हांजी मुझे sixth F में से कुछ आवाज आ रही है, हांजी. Sieving. It is sieving. Very good. It is sieving. ठीक है जी. और ये mixture of sand, salt and iron filings we will do tomorrow, right? चलिए ये असाइनमेंट करके आइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स, बाय बाय। थर्ड हैंड पिकिंग।